दोस्तों, इस दुनिया में लाखों किस्म के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ जमीन पर। कई बार कुछ जानवर हमें पृथ्वी पर ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आंखों को यकीन नहीं होता। कई देखने में बहुत प्यारे होते हैं तो कई बेहद भयानक। समय के साथ साथ सभी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शरीर में तरह तरह के बदलाव किए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे जो इतना ट्रांसफरेंट है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि ये शीशे के बने। ग्लास फ्रॉग। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला ये मेंढक इतना पारदर्शी है कि आप उसके सीने के बाहर से भी उसका धड़कता दिल देख सकते हैं। कांच की मेंढकों की कई अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन ये ग्लास फ्रॉग की चमकीला हरा रंग आपका ध्यान खींच सकता है। इस ग्लास फ्रॉग का हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स त्वचा के माध्यम से दिखाई देते हैं, इसलिए इसे कांच का मेंढक यानी ग्लास फ्रॉग कहा जाता है। ये अपना अधिकांश जीवन नदी नाले के पास में स्थित पेड़ पौधों के पत्तियों पर गुजरते हैं, और वही अपने अंडे भी इन पत्तियों के निचले सतह पर देते हैं, और नर मेंढक इसकी रक्षा करते हैं। लिपोप्रोटीन फाइबर की वजह से इसका शरीर पारदर्शी दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजातियों को असाधारण गुण वाले प्राणियों के लिस्ट में डाला है। घोस्ट श्रिम्प, जिसे ग्लास झींगा भी कहा जाता है। ये झींगा समुद्र तक में मौजूद समुद्र शैवालों के आसपास लगभग किसी के दृष्टि में आए बिना तैर सकता है। इसके लगभग पारदर्शी बॉडी की वजह से इसकी चमकीली पीली आते आश्चर्यजनक रूप से बाहर से ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब कोई चीज ये खाता है तो उसे भी बड़ी आसानी से इसके अंदर देखा जा सकता है। मादा झींगा अंडे देती है जो पूंछ के नीचे छोटे हरे रंग के बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है। इसकी ऐसी खूबसूरती की वजह से लोग इसे अपने घरों में पालने लगे हैं। आमतौर पर ये झींगा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई। दुनिया में बहुत सारे तितलियों के प्रजाति पाए जाते हैं, जिनमें ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई काफ़ी अलग और खूबसूरत है। तितलियों के प्रजातियों में से यह तितली सबसे असामान्य लक्षणों में से एक, जिसकी प्रदर्शित पंख अपने तरफ आकर्षित करता है, जो कि कांच की तरह दिखता है। इस सुंदर विशेषता के पीछे का कारण उनके ऊतक है। ऊतक बिखरने के प्रतिबिंब की बजाय प्रकाश को गुजरने देती है। ये अद्भुत तितलियाँ मध्य अमेरिका के जंगलों और बगीचों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, इन तितलियों को स्पॉट करना कितना चुनौतीपूर्ण है। कांच के बने तितलियों के बॉर्डर डार्क ब्राउन रंग के हैं। उनके बिना इन तितलियों को स्पॉट करना असंभव है। एम्पेरर तमरिन बंदर की एक छोटे चौंकाने वाला प्रजाति है, जो पेरू और ब्राज़ील के लोलैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन बंदरों को विशाल लंबे मूछों से उनका नाम मिला है। एक परिपक्व एम्पेरर तमरिन की लंबाई 7 से 12 इंच के बीच है और उसका वजन 900 ग्राम है। इस बंदर की बॉडी ग्रे रंग का है और पूंछ रेडिश ब्राउन कलर का है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में एम्पेरर तमरिन छोटे समूह में रहते हैं, जिनमें 20 सदस्य होते हैं। मैंटिस श्रिम्प। इंडो प्रशांत महासागर के गर्म पानी में पाए जाने वाले ये समुद्री क्रस्टेशियन यकीनन पृथ्वी पर सबसे रंगीन महासागरीय प्राणी। मैंटिस श्रिम्प के शरीर का बाहरी आवरण लाल, ऑरेंज, ग्रीन और नीले रंग के आश्चर्यजनक रंगों को प्रदर्शित करता है। अविश्वसनीय रूप से रंगीन शरीर के अलावा मैंटिस श्रिम्प पशु प्रजातियों में सबसे उन्नत दृश्य प्रणालियों में से। मैंटिस श्रिम्प के आँखों में 16 रंग के ग्रहणशील छड़ें हैं, जहां मनुष्य के पास केवल 3 है। इसलिए मैंटिस श्रिम्प के आँखें मानव आँखों की तुलना में अधिक रंगों को संसाधित कर सकती है। मैंटिस श्रिम्प शायद जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज पंच करने वाला प्राणी है। मैंटिस श्रिम्प झींगे का पंच सभी जीवों में ताकतवर है, जो अपने एक ही पंच के वार से दुश्मन को चित कर देता है। ये झींगा अपने आगे का पैर इतनी तेजी से चलाता है कि शिकार को संभलने का मौका नहीं मिलता। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके हमले की रफ्तार पलक झपकने से भी 50 गुना तेज होती है। इस जीव की आंखों में भी बहुत खूबियां होती है। इसकी दोनों आंखें इसके सर के ऊपर एक एंटेना की तरह होती है। इनके दोनों आंखों के बल अलग अलग दिशाओं में काफी पीछे तक घूम सकती है, यानी एक आंखों से बाएं तरफ की चीजों पर गहरी नजर रख सकता है तो उसी समय दूसरी आंखों से दाएं तरफ की चीजों को भी देख सकता है। दुनिया भर में इस जीव की 400 से अधिक प्रजातियां पाए जाती है,
जिनमें सबसे आकर्षक पीकॉक मैंटिस श्रिम्प है। फेरो एंट्स चीटियाँ कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी को कैसे निभाती है, ये हम बचपन से ही कहानियों में सुनते आए हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाया जाता है। आकार से चींटियाँ 2 से 7 mm की होती है। चींटियों के प्रजातियों में से एक प्रजाति फेरो चींटी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में पाए जाने वाला इन चींटियों के आकार 2 mm का बहुत ही छोटा पीला और लाइट ब्राउन कलर का होता है। फेरो चींटी के पास एक पारदर्शी पेट होता है जिनमें उन सभी खाद्य पदार्थ को साफ साफ देखा जा सकता है जो उन्होंने खाया था। आई मदागास्कर एक महानकाई अजीब जानवरों के घर होने के लिए जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश दुनिया में कहीं और पाई जाती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है आई। इसके उभरी हुई आंखें, बड़े दांत और लंबे उंगलियां सबके लिए बहुत डरावना लग सकता है, खासकर यदि आप अचानक रात में जंगलों में आई को आमने सामने देख लिया। आई एक प्रकार का लेमुर है और इसे मादागास्कर के जंगलों में विशेष रूप से पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और आप हमको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।